दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं। पहले वाले तो वो लोग होते हैं जो आपको ब्लॉक करेंगे अनब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करेंगे अनब्लॉक कर देंगे। अब ये उन तरह के लोग होते हैं वो आपको ऐसा तब करेंगे जब आप कोई गलती करते हो या आप उनकी बात स्पेशली जब नहीं मानते जैसा वो चाहते, तुम वैसा नहीं रहोगे ना तो ब्लॉक करेंगे, तुम्हें डराएंगे, वापस अनब्लॉक कर देंगे, ताकि हमेशा वो जैसा चाहते ना तुम वैसे करते रहो। तो उनसे डील करना ना बहुत अच्छा है कि तुम उनसे डरना छोड़ दो, उनके ब्लॉक करने पे रिएक्ट करना छोड़ दो, तो कुछ टाइम के बाद वो ऐसा करना बंद कर देंगे जब उनका माइंडसेट तुमको लेकर सही हो जाएगा कि भाई इस बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम जो बात करें इस वीडियो में, जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, जिस पर्सन ने तुम्हें ब्लॉक किया ना, लाइक वो ऐसा नहीं है ब्लॉक एंड ब्लॉक ब्लॉक एंड ब्लॉक, बट इस पर्सन ने आपको फाइनली ब्लॉक किया क्योंकि अब वो चाहता है कि तुम यार एकदम हमसे दूर रहो, तो हमसे बात करो ही मत, वो तुम्हारी बात सुनना ही नहीं चाहता, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना देना ही नहीं चाहता। तो देखो, ऐसे पर्सन आपको ब्लॉक तभी करेंगे जब वो आपसे कम्प्लीटली इरिटेट हो गए, वो थक गए, वो नहीं चाहते कि आप उनसे बात करो, आप किसी भी तरह से उनकी लाइफ में रहो, वो पूरी तरह से आपसे कट होना चाहते और इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना आ जाए, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई वो इंसान मतलब एकदम हमसे इरिटेट है। प्लीज़, हमें ये लगता है कि उस पर्सन को गलतफहमी है, हमारे मन में उनके लिए बहुत प्यार है, हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, या गुस्से में या जो भी चीज़ हुई है, अब उनको ब्लॉक नहीं करना। हम ट्राई क्या करते हैं उनको ना एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसने यहाँ पर ब्लॉक किया तो वहाँ से मैसेज करेंगे अलग अलग तरह से, हमें लगता है कि उनकी दोस्त को करो, उनके घर वालों को नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में जो भी एफर्ट लगाने के आइडियाज़ आ रहे हैं ना, कि कुछ भी करके उनको सही बात समझाऊं कि वो मेरे बारे में इतना बुरा ना सोचे, तो आप वैसा मत सोचिए, क्योंकि इस टाइम पे ना उनका माइंड रेडी ही नहीं है आपको सुनने के लिए। आप जो भी एक ट्राई करोगे ना उन तक पहुंचने के लिए, वो इंसान आपसे और ज़्यादा इरिटेट होगा, और ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि क्या है, उसने अपने माइंड में एक ही बात बिठा रखी कि नहीं, इनफ हो गया, इस इंसान से मुझे अब दूर जाना ही जाना है। जब कोई इंसान ऐसे सोच रहता है ना, तब तुम क्या कर रहे हो, तुम सच हो, तुम गलत हो, वो अपनी किसी बात को पकड़ कर बैठ गया है। और जब इंसान समझना नहीं चाहता ना, तब उन्हें समझाना नहीं चाहिए, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो कोई एफर्ट तुम्हें नहीं लगाना चाहिए। अभी दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें करनी चाहिए, एक्चुअल में वो तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर तुम नहीं करोगे तो इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में नहीं, आप अपनी लाइफ में जब तक जैसे भी रिलेशन बनाओगे वहाँ पर ये इश्यू आकर खड़ा रह जाएगा। और वो चीज़ है ये सोचना, ये समझना कि इस पर्सन ने मतलब मुझे ब्लॉक क्यों किया, यार कोई पर्सन मुझसे इतना इरिटेट क्यों हो गया, क्यों कोई मुझसे दूर जाना चाहता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपके लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको वो क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि क्यों, तो आप उनको सुधार लोगे और बड़ी आसानी से। कई सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं कि शायद हम ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि सामने वाले को हम चिपकू लगते हैं, शायद हमें अपनी बात अपना इमोशन समझाना नहीं आता, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती यहाँ पर है, वो सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं करते, या फिर आप ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा नीडी लग रहे हो कि तुम एकदम नीडी हो, या फिर आप सामने वाले को एकदम नॉन इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो, तुम्हें अपनी बातों में वो चीज़ लानी नहीं आती, तुम्हें पता नहीं कि उस पर्सन के साथ कैसे रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनाए, तो इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि वो पर्सन तुम्हें इंटरेस्टेड ना हो और तुम्हारी इन चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा तुमसे बोर और इरिटेट हो गया और इस रिलेशन से तुमसे वो दूर जाना चाहता हो। तो उसमें से ना कोई भी रीज़न होगा, वो रीज़न को तुम्हें रियल में ढूंढना है, उस रीज़न को रियल में तुम्हें फाइंड आउट करना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही है जो आपको ढूंढनी है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान को ना एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसकी प्यार करे, जो उसको केयर करे। एंड यहाँ पर तो लोग अपनी लाइफ से आपको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी जिनके ऊपर आपको काम करना है। एक ही चीज़ है, जब आपको अपनी ये प्रॉब्लम मिल जाए ना कि हाँ इस रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था, शायद मैं बहुत ज़्यादा नीडी था, शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन को इरिटेट किया, शायद मैं इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं करता था, शायद मैंने इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं रखा, तो चीज़ों को रियल में तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं देखोगे ना तो तुम वापस से गलती करोगे। देखो, अगर कोई तुम्हें ब्लॉक करके गया है तो अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, अभी भी तुम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होगे, और कहीं ना कहीं तुम चाहते हो कि वो पर्सन तुमसे बात करे,
लेकिन वो टाइम चला गया जहाँ पर आपको चीज़ें समझनी चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं हो पाई, वो पर्सन बहुत ही गलत आपके बारे में आइडेंटिटी बना चुका है और बनाकर जा चुका है, अब वो आपसे कनेक्ट होना भी नहीं चाहता। अब ये टाइम है कि आप सोचो कि कैसे मैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करूँ, कैसे मैं नई स्किल सीखूँ, मुझे रिलेशन के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। आपको अपने करियर के ऊपर इस टाइम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी आइडेंटिटी की, आपकी पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोगों को हेल्प करती है आपको समझने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को, आपके व्यक्तित्व को समझने के लिए। एंड तीसरी चीज़, अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें करने लगो, वो आपकी हॉबीज हो सकती है, वो आपके काम हो सकते हैं, वॉट एवर, जिस चीज़ें ना आपको लो फील ना हो, आपको कॉन्फिडेंस फील हो और उन चीज़ों से आप खुश हो सको, उन चीज़ों से आपको हैप्पीनेस मिले। लाइक ये चीज़ ये है कि अपने ऊपर काम करना, ठीक है। एक चीज़ होती है कि कोई हमें ब्लॉक करके जाता है, उसके बाद फिर भी हम उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं, फिर भी हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने रोते रहते हैं। भाई आज हम जैसे भी है, लाइक तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा करियर जैसा भी है, वो चीज़ सामने वाले को कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, या तुम्हारा व्यक्तित्व एज अ पर्सन तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो उनको सही नहीं लग रही है। अब उसी पर्सन को उसने ब्लॉक किया, तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल है कि उसी पर्सन को रिक्वेस्ट करने से एक्सेप्ट कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो चीज़ ये कि अब हमें इस रिलेशनशिप से सीखना है, इन गलतियों से सीखना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक रिलेशनशिप फेल होता है, हालांकि बहुत मुश्किल होती है आपके लिए, पर ये तुम्हारे लिए ज़रूरी होता है कि भाई मुझे इन चीज़ों में काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई अब किसका प्यार पाने के लिए मुझे इतना करना पड़ेगा। नहीं दोस्त, तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, तुम्हें इसलिए करना पड़ेगा ताकि लोग तुम्हें ऐसे ट्रीट ना करें कि तुम रोते रह जाओ और वो तुम्हें ब्लॉक करके चला जाए। तो लाइक जो भी चीज़ें हुई है ना, उसने ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ से जस्ट इतना कैलकुलेट कर लो कि क्यों, कौन सी मेरी चीज़ थी जो रियल में गलत थी, एंड उसके बाद वो चीज़ मिले तो उनको सही करो, साथ साथ में अपनी पर्सनालिटी, अपने करियर पे, अपनी लाइफ में जो चीज़ें तुम्हें सही में हैप्पीनेस फील करवाती है, कॉन्फिडेंस देती है, वो चीज़ों पे ऊपर काम करना तुम शुरू कर दो। क्योंकि लाइक जो चला गया, उनको मनाने का, उनको समझाने का या उनके पीछे रोने का कोई भी मतलब नहीं होता दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।